इस समय सारी दुनिया पर क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जानी है। वहीं पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन हो रहा है। वहीं IPL मेगा ऑक्शन समाप्त हो चुका है। दरअसल CSK ने अपना पुराना दाव चलते हुए कई पुराने प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन IPL 2022 ट्रॉफी और CSK के बीच में तीन बड़ी कमी आ सकती है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दरअसल पहला है तेज गेंदबाजी आक्रमण। दरअसल आपको बता दें, CSK टीम ने पिछले सीजन IPL 2021 का खिताब जीता था। तब उसमें जोस हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर और लुंगी एनगिडी ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार IPL मेगा ऑक्शन में CSK टीम ने इस प्लेयर्स को नहीं खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग ने स्टार ऑलराउंडर दीपक चहर को 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगर चहर चोटिल हो जाते हैं तो उनके पास कोई भी बड़ा गेंदबाज मौजूद नहीं है। इस बार CSK का तेज गेंदबाजी आक्रमण बहुत ही कमजोर है, जो कि पिछली बार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वहीं दूसरा है ओपनर। दरअसल CSK टीम ने 4 बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम की है। इसमें फाफ डुप्लेसी का अहम योगदान रहा, लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग टीम में फाफ डुप्लेसी मौजूद नहीं है। फाफ ने पिछले सीजन धाकड़ बैटिंग करके CSK को ट्रॉफी दिलाई थी। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर विपक्षी गेंदबाजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। उन्होंने 14 मैचों में 632 रन बनाए थे। इस बार CSK टीम के पास ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन उनके ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में चेन्नई टीम के पास कोई भी खतरनाक बल्लेबाज मौजूद नहीं है। ऐसे में उनके लिए ये चिंता का विषय साबित हो सकता है। वहीं फाफ डुप्लेसी को इस बार RCB टीम ने अपने साथ जोड़ा है। वहीं तीसरा कारण है मध्य क्रम। दरअसल IPL मेगा ऑक्शन के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, वो सुरेश रैना का। रैना IPL की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग टीम से जुड़े हुए थे। रैना ने नंबर 3 पर धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए CSK को कई मैच जिताए हैं। वहीं करिश्मा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खास प्लेयर में गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया। CSK के पास तीसरे नंबर के लिए कोई भी धाकड़ बल्लेबाज टीम में मौजूद नहीं है। मध्य क्रम में रैना ने कई अहम पारियां खेलकर टीम को विजयी बनाया था। दोस्तों, ये थे वो तीन कारण जो CSK के सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।